नमस्कार, माझं महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण भोकर येथील प्रभाग क्रमांक 2 सईदनगर या ठिकाणी आलेला आहे. या ठिकाणी रोडाचे काम सुरू आहेत. या रोडाचे काम बोगस दर्जाचं होत आहे या लोकांचे आरोप आहेत. लोकांनी तक्रारसुद्धा दिलेली आहे. 35 लाख रुपयाचा हा काम आहे. आपण पाहू शकता तर कशा पद्धतीने हे कामं निष्काळजीपणे आणि ह्या गुत्तेदारांची मनमानी कशा पद्धतीने दिसून येत आहे. लोकांनी तक्रार केलेली आहे आणि हा काम बोगस आहे असं दिसून येत आहे. या ठिकाणी BNC ह्या गुत्तेदारांनी कशा पद्धतीने आपली मनमानी करून हा बोगस काम सुरू आहे याला तात्काळ कारवाई करावे आणि काम चांगलं करावे अशी लोकांची मागणी आहे. तरी कसं काम हुआ काफी सालों से या रोड थी नहीं थी कैसा? नहीं, ये जो बांधकाम हो रहा है ना, बांधकाम बिल्कुल बोगस बांधकाम हो रहा है. पूरे गांव में खोद के लिए बांधकाम रोड का, और यहाँ का जो बांधकाम है खाली सिर्फ ऊपर अपना गिट्टी डाल रहे और सीमेंट डालकर काम कर रहे हैं. ये पूरा बोगस काम है ये. हाँ, इससे पहले कभी आप तकरार दिए थे? दिए थे हमने रोड के पहले शुरू, हम एक साल पहले चौहान साहब से निवेदन दिए थे कि हमारा रोड बनाओ. तो सब में पहले हमारा रोड बनने का, ये सबके बाद में लिया है रोड, ये बांधकाम के लिए. हाँ, नहीं नहीं हो रहा है. पहले नाली बांधकाम करना चाहिए था और बाद में रोड का काम करना चाहिए था, लेकिन ऐसा काम नहीं हुआ है और ये पूरा काम बहुत तरीके से हो रहा है. पुराना रोड जो था यहाँ पे, उसको उखाड़ के ये डाले कि कैसा? नहीं नहीं नहीं, उखाड़े नहीं, कुछ भी नहीं. उसके ऊपर अभी भी जैसे कि वैसा है, जैसा कि वैसा है, और उसके ऊपर ही गिट्टी और ये सीमेंट डाल रहे हैं. हाँ ना, मजबूती होना चाहिए. पूरा रोड खोद कर बांधकाम करना चाहिए ये रोड, ऐसी हमारी डिमांड है. क्या पद्धति ने इतना काम झाला? हाँ, निष्कुल दर्जा झालेला आहे असं वाटते का तुम्हाला? काम बद्दल काय म्हणता? हाँ, निष्कुल दर्जाचं काम झालेलं आहे. खुंदून काम करायचं होतं, केलं नाही. कुठला एरिया आहे? सईदनगर एरिया. रोड होती का? हाँ, अगोदर रोड होती, त्या रोडवर टाकलेलं आहे ते. पाणी आता हे आम्हीच टाकताय, कोणी आले नाही अजून टाकायला इथपर्यंत, कोणीच नाही आलं. कोणी हे आम्हीच टाकताय का आता टाकलेलं आहे पाणी. हो, इच्छा मागणी. तक्रार काय दिली होती काय? तक्रार दिली होती? नाही दिली. हा ना, उन्होंने नाहीच करे, उसके ऊपर माल डाले है कि नहीं? रोड पे रोड डाले. हाँ, हाँ ना, पानी तो डाल रहे ना थोड़ा वो लोग का, मगर अब हम डाल दे रहे हैं. उनके पास बोर था तो दो दिन से डाले, कल और आज. पहले दिन से नहीं डाले, अब जिसका उन्होंने डाली है. तो पहले की रोड फोड़ के निकाले? नहीं फोड़े उन्होंने, वो रोड वैसे वैसे से. नालियां दिख रहे, नालियां गंदगी भरे आई है, तो नालियां भी बनाने आने थे क्या? बनाए वैसे? अब नहीं बनाए उन्होंने, अब ये कचरा है तो सब उस पर लाके डाले. अब क्या बोलना, हाँ सब टूटे हुए थे, वो क्या है, सब तोड़ दिए उन्होंने डोजर से. इस तरीके से काम हुआ तो काफी लोगों की भी नाराजगी है और ये रोड पे रोड बना दी गई, तो आपका क्या कहना है? ये भोकर का वार्ड नंबर 2 सईदनगर, यहाँ पे पहले आधी रोड में रोड था और बाकी की रोड पे रोड नहीं था, बल्कि मट्टी थी सिर्फ. तो जहाँ तक कॉन्क्रीट रोड था, उन्होंने उसी कॉन्क्रीट रोड पे वापस ये बेड डाल दिए. उसको उन्होंने खोदे नहीं और ये बेड को भी उन्होंने क्यूरिंग नहीं करे, ये पहली बात. दूसरी बात, जहाँ पे बेड नहीं था वहाँ पे उनको बोले थे कि और मट्टी ला के लेवल कर दो, तो उन्होंने और मट्टी ला के लेवल करने के बदला वहाँ की मट्टी ले जाके बेच दिए या किसी और काम में यूज़ करे, ये नहीं मालूम. लेकिन वहाँ पे उन्होंने सीधा उसको पूरा उतार कर दिए. कहीं पे उन्होंने रोड जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ऐसा लोगों के ऑटो के नीचे रोड बना दिए, और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे भी उन्होंने छोड़ दिए. यानी कि इनका मनमानी कारोबार चल रहा. और कल BNC ऑफिस के लोग आए थे, उनको जब पूछे हमने तो उन्होंने बोले इस्टीमेट के हिसाब से काम हो रहा, हमने देख लिए. अब BNC वालों ने देखे तो सही हो रहा होगा, और अगर गलत हो रहा उन्होंने सही बोल रहे तो उनकी भी क्या मर्जी है वो नहीं मालूम. अब यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे बताओ भाई, ये जो इन्होंने बेड डाले, ये देखो ये बेड, इसमें क्या सीमेंट डाले होंगे उन्होंने और क्या पानी डाले होंगे, यह है क्या कोई तरीका है क्या? ये हाथ से खोदे तो निकल जा रहे है, देखो पूरा निकल जाता है, हाथ से खोदने की देर है खाली. तो ये ऐसे कामा करे वाले, और इनको ना कोई बोलने वाला है ना कोई पूछने वाला है.
ये पालक मंत्री अशोक चौहान यहाँ के महाराष्ट्र राज्य के बनकम मंत्री, उनका ये मतदार संघ है और यहाँ पर बोगस काम हो रहे हैं, इस पर कोई तवज्जो नहीं दे सकता क्या? ये इसके लिए आवाज़ कोई नहीं उठा रहा। अब उन्होंने बांधकाम मंत्री है, उन्होंने इतना बड़ा एरिया देख रहे हैं, यहाँ के नीचे के भुट्टे चोरों को समझना कि इनके वजह से इतने बड़े आदमी का नाम खराब हो रहा। आज तुम देख सकते हैं ये लाइट के पोल ऐसा कंटिन्यू यहाँ से वहाँ तक पूरा ऐसे सेंटर में। जब गुत्तेदार को हमने बोले कि भाई ये पोल साइड में कराओ, तो उन्होंने बोले ये काम हमारा नहीं है, ये काम एमएससीबी वालों का है। यहाँ तक कि उन्होंने लाइट के पोल के आजू बाजू तकरीबन डेढ़ डेढ़ फीट तक ना खोदे, ना साफ करे, ना कुछ करे, उसके ऊपर एक बारीक आप अगर यहाँ पे अभी सबल मारेंगे तो एक इंच के नीचे आपको मिट्टी मिल जाएंगी। यानी कि उन्होंने उसको हटाने की जहमत भी नहीं करे और उसके बाजू खोदने की भी जहमत नहीं करे। कई लोगों के घरों के सामने अभी भी जैसे कि वैसे बांधकाम है, उन्होंने पूरा मतलब रोड क्लीन करना ही नहीं चाहे उन्होंने, और ना इसको एक बार भी क्यूरिंग करे उन्होंने। इसके लिए लोगों ने भी कंप्लेन दी है, तकरार दी है, ऐसा लग रहा है, और भी अभी भी देने वाले हैं। तो ये रोड बनाओ बोल के दो तीन बार बोले थे, अभी हमारे भोकर के एक लोकल न्यूज़ चैनल में भी कल न्यूज़ आई थी, लेकिन इसके ऊपर वो कुछ असर हुआ ऐसा दिखा नहीं। तो अभी ये सईद नगर के सब लोगों के सिग्नेचर वो लेके अभी हम ये निवेदन लेके जाके देने वाले PWD ऑफिस, देखते हैं अगर इससे कोई असर हुआ तो ठीक, और अगर इससे असर नहीं हुआ और इसी तरह अगर काम चला तो कल या परसों हम गाढ़ो मोर्चा निकालने वाले हैं, PWD को गधे पे निवेदन रख के लेकर जाके देने वाले हैं, तब शायद उनके अखल ठिकाने पे आएंगी। उम्मीद तो है ऐसा हो जाएगा, नहीं हुआ तो हम गाढ़ो मोर्चा निकालेंगे। काफ़ी एरिया में भी घूम के देखे हमने, तो कहीं रोड कम ज़्यादा है और कहीं पर जो तो नालिश नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं है, पर रोड बन गई हुई है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि रोड बनी ड्रेनेज लाइन बाद में होगी क्या? तो नाली भी नहीं है, तो नाली कैसा बना? अब हमने भी सुने थे शासन ने रोड और नाली को 40-60 दिए वाला है, लेकिन यहाँ पे 40 तो छोड़ो, 4% भी नाली नहीं है। और इन्हों रोड बना दे रहे, रोड बना देने के बाद बाजू में अगर नाली का इन्होंने टेंडर निकाले भी तो नाली बनाने को चांस ही नहीं है, तो इन्हों बनाएंगे कैसा को? और ये टेंडर करने वालों को गुत्तेदार सुनने को तैयार नहीं है, उसको उसके पीछे कौन सी ऐसी ताकत है नहीं मालूम कि उन्हें डरने को तैयार ही नहीं है या सुधरने को तैयार ही नहीं है। उसको एक पीछे से ऐसा लग रहा कि कुछ लोगों ने हिम्मत दी वाली है, तू कुछ भी कर, ना तेरा बिल अटकता ना तेरा काम रुकता। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फैंसी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फैंसी LED, फैंसी मीटर, हैंडल वेट लाइट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हैंडल वेट मीटर, फैंसी लिवर, LED पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फैंसी पार्ट।